नमस्ते बालकों, मैं अर्चित नंदा, आईआईटी बॉम्बे का छात्र। आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रायोगिक ज्यामिति भाग दो, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि कक्षा सात का एक अध्याय है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इससे पिछले भाग में हमने देखा कि हम कैसे दो समांतर रेखाएं खींचेंगे और हमने कुछ त्रिभुज बनाने सीखे। इस पाठ में भी हम दिए गए माप समूहों की सहायता से त्रिभुज का निर्माण करना सीखेंगे। तो इससे पिछले भाग में हमने देखा SSS कसौटी के सहायता से कैसे एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए। अब हम देखते हैं एक त्रिभुज की रचना, जब दो भुजाएं की लंबाइयां और उनके बीच के कोण की माप दी गई हो, यानी कि SAS कसौटी, जहां पर S साइड के लिए कहा जाता है और A एंगल के लिए कहा जाता है, मतलब साइड एंगल साइड कसौटी। और हम इसे एक उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे। तो उदाहरण जान लेते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जब दिया है कि PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, QR की 5.5 सेंटीमीटर तथा PQR कोण 60 डिग्री के बराबर है। तो इससे पिछले भाग में हमने देखा SSS कसौटी की सहायता से कैसे त्रिभुज का निर्माण करना है। अब हम देखते हैं, जब हमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति खींचेंगे, जैसा कि हमने चित्र एक में दिखाया है। इससे हमें रचना की प्रक्रिया निर्धारित करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। तो अब हम 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड QR खींचेंगे, जैसा कि हमने चित्र दो में दिखाया है। अब Q पर किरण QX खींचेंगे, जो QR के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। और हम जानते हैं बिंदु P कोण की इसी किरण पर कहीं स्थित होगा, जैसा कि हमने चित्र 3 में दिखाया है। अब P को निश्चित करने के लिए दूरी QP दी गई है, तो हम Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप खींचेंगे। हम जानते हैं यह QX को बिंदु P पर काटता है, जैसा कि हमने चित्र 4 में दिखाया है। तो अब PR को जोड़िए। इस प्रकार हमें त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हमने चित्र 5 में दिखाया है। तो आइए अब हम एक अन्य त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, ताकि AB 3 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC 60 डिग्री के बराबर हो। इस त्रिभुज को काटकर हम PQR पर रखेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के साथ संपाती हो जाता है, मतलब उसे ढक लेता है। इस प्रकार यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरागसम होते हैं। यह SAS समरागसमता का नियम कहलाता है, और हमने पिछले भाग में भी देखा SSS समरागसमता का नियम। तो आइए अब हम एक त्रिभुज की रचना देखें, जब उसके दो कोणों के माप और उन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। इसे कहते हैं ASA कसौटी। A एंगल के लिए कहा जाता है, S साइड के लिए, तथा यह हो गया एंगल साइड एंगल कसौटी। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जब यदि XY 60 सेंटीमीटर, कोण ZXY 30 डिग्री तथा कोण XYZ 100 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति खींचेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया है। इससे हमें कुछ अनुमान लग जाता है कि कैसे रचना की जाए। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए, जैसा कि हमने चित्र 2 में दिखाया है। अब X पर एक किरण XP खींचिए, जो XY से 30 डिग्री का कोण बनाए। दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार बिंदु Z किरण XP पर ही कहीं स्थित होना चाहिए, जैसा कि हमने चित्र 3 में दिखाया है। अब Y पर एक किरण YQ खींचिए, जो YX से 100 डिग्री का कोण बनाए। दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार Z किरण YQ पर ही कहीं स्थित होना चाहिए, जैसा कि हमने चित्र 4 में दिखाया है। Z को दोनों किरणों XP तथा YQ पर स्थित होना चाहिए, अतः इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही Z है। अब त्रिभुज XYZ पूरा बन जाता है, जैसा कि हमने चित्र 5 में दिखाया है। काफी आसान था इस त्रिभुज का निर्माण करना।
अब एक अन्य त्रिभुज एल एम एन खींचेंगे जिसमें एन एल एम कोण 30 डिग्री के बराबर है, एल एम भुजा 6 सेंटीमीटर है तथा एन एम एल कोण 100 डिग्री के बराबर है। इस त्रिभुज एल एम एन को काटकर हम त्रिभुज एक्स वाई जेड पर रखेंगे और हम देखते हैं कि त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज एक्स वाई जेड एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाते हैं। इस प्रकार यदि एक त्रिभुज एक के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा से के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समागसम होते हैं। यह ए एस ए समागसमता नियम कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले भाग में भी देखा है। अब हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाइयां दी गई हों, जिसे कहा जाता है आर एच एस कसौटी। अंग्रेजी में आर राइट एंगल के लिए कहते हैं, एच हाइपोटेन्यूज के लिए कहते हैं तथा एस साइड के लिए कहते हैं। तो यह बन जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कसौटी। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे, तो आइए उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज एल एम एन की रचना कीजिए जिसका एल एम एन समकोण है तथा दिया गया है कि एल एन 5 सेंटीमीटर के बराबर है तथा एम एन 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक रफ आकृति खींचेंगे जैसा कि हमने चित्र एक में दिखाया है, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो समकोण को अंकित करना हमेशा याद रखिए। इसके बाद 3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड एम एन खींचेंगे जैसा कि हमने चित्र दो में दिखाया है। अब M पर MX का निर्माण कीजिए जो कि MN के साथ 90 डिग्री बनाता हो। हम जानते हैं कि L इसी भुजा पर कहीं स्थित होना चाहिए जैसा कि हमने चित्र 3 में दिखाया है। अब N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे और हम जानते हैं कि L इसी चाप पर कहीं स्थित होना चाहिए क्योंकि यह N से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए जैसा कि हमने चित्र 4 में दिखाया है। L को रेखा MX पर और केंद्र N वाले चाप पर ही स्थित होना चाहिए, अतः L इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए। अब LN को जोड़िए और हमें त्रिभुज LMN प्राप्त हो जाता है जैसा कि हमने चित्र 5 में दिखाया है। अब हम एक अन्य त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे जिसमें B समकोण है, BC 3 सेंटीमीटर के बराबर है तथा AC 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें इसे काटते हैं तो हम देखते हैं कि ए बी सी त्रिभुज तथा एल एम एन त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो वह दोनों त्रिभुज समागसम होते हैं और यह आर एच एस समागसमता नियम कहलाता है। तो इस पाठ में हमने एस ए एस तथा ए एस ए और आर एच एस समागसमता नियम पढ़े और हमने देखा कि दिए गए मापों के अनुसार कैसे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।